आरोपीचा तुरुंगात मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे, तर आरोपीला बेदम मारहाण करून हत्या केल्याचा आरोप मृतांच्या नातेवाईकांनी केलाय, त्यामुळे चर्चेत असलेल्या तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या कपाळावर आठा पडलाय. नंदनवन येथील 28 वर्षीय आकाश ताराचंद गोंड असे मृताचे नाव आहे. आकाशने ऑक्टोबर 2021 हत्येची घटना घडवली होती. पोलीस कोठडी संपल्यापासून तो तुरुंगात होता. शनिवारी दुपारी त्याची प्रकृती अचानक बिघडली. छातीत दुखू लागल्याने त्यांना तुरुंगाच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथून वैद्यकीय प्रसूतीनंतर त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. या घटनेची माहिती मिळताच आकाशच्या नातेवाईकांनी मेडिकल गाठले. कारागृहात मारहाणीमुळेच आकाशचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आकाशच्या कुटुंबियांनी केला आहे. त्याच्या शरीरावर जखमेच्या खुणा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आठवडाभरापूर्वी आकाशचे वडील आपल्या मुलाला भेटण्यासाठी तुरुंगात गेले होते. त्यावेळी आकाशने जीवाला धोका असल्याचे कारण देत तुरुंगातून सुटका करण्याची विनंती केली होती. कारागृहातील प्रतिस्पर्धी गुन्हेगारांशी आकाशचा वाद सुरू असल्याची चर्चा आहे. आकाशचे प्रतिस्पर्ध्यांशी भांडण झाले. या एपिसोडमध्ये आकाशला धडा शिकविण्यासाठी मारहाण करण्यात आली आहे. डिमांड किया था उसने मेरे बच्चे के साथ में, अब वो तो बॉडी में उसके जितनी मार है उस पे से पता चल जाएगा क्या क्या मार है. मेरे लड़के को चारों तरफ से मारा गया है, रोज टॉर्चर कर करके मारा है. एक दिन में मारा नहीं है, वो रोज मारा उसको. और मैं तो अब सोमवार को मिलने जाता तब पता चलता. सोमवार को मैंने उसकी बेल्ट भी डाल रहा था. मैं वकील ने सब तैयार करके रखा था. पहले भी मेरे लड़के ने कोई गुनाह नहीं किया. बेमतलब मेरे लड़के को फंसाया था और फंसाने के बाद में अभी मेरे लड़के को ख़त्म कर दिया. जेल में जेलर ने ख़त्म कर दिया, पुलिस वालों ने ख़त्म कर दिया. तीन एजेंसी अवेलेबल है, पुलिस है, जुडिशरी है और कलेक्टर ऑफिस का भी आदमी. वीडियोग्राफी हो रही है. वीडियोग्राफी आपका पोस्टमार्टम पूरा वीडियोग्राफ होगा. ठीक है, अगर आपको लग रहा है उसमें कि पोस्टमार्टम में कुछ कोई मैनेज कर रहा है, को आपको ये शब्द दिए जा रहे हैं कि कोई भी मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं होगा. जी, पोस्टमार्टम में जैसा निकलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी. जी, ठीक है जी. तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम शांत बसिए, एकदम शांत बैठिए. पोस्टमार्टम में जैसा निकल के आएगा, अभी पोस्टमार्टम जैसा आपकी प्रेजेंस में हो रहा है. जी, ठीक है जी. जैसा पोस्टमार्टम में निकल के आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी. अगर उसमें कोई इंजरी आती है या कुछ आता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की. ठीक है, आप आराम से शांत बैठिए. अभी पास्ट में क्या हुआ वो आप यहाँ पे मत कहिए. और जो चार लोग वहाँ पे उनको भी मारा है इसके साथ में, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी. उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना सर. उनको भी बहुत मारा है सर. नहीं, सबको मारा सर. माझी मुलाखत आता पाहिजे. चारों लड़की है वहाँ पे जख्मी हालत में. नहीं पण उद्या तुमच्या याच्यावर तू होऊ सकते सर. असं कसं? नहीं ऐसा नहीं है. मैं अभी आया हूँ, अभी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. क्या उनके एलिगेशन है, हम सारा एलिगेशन देख के फिर उसके बाद ही कुछ जवाब देंगे. ठीक है, थैंक यू. वीकेबी न्यूज साठी कैमरा पर्सन रोशन बोकडे सह वैदिक चव्हाण यांची रिपोर्ट. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.